उर्दू बाजार के माजिद सन्स प्लाजा में आतिश जदगी का अफसोसनाक वाकया, झुलसने वाला शख्स जख्मों की ताप ना लाकर चल बसा। दो जख्मी में अस्पताल मुंतकिल। प्लाजे में आग चाय बनाते हुए सिलेंडर फटने से लगी। रेस्क्यू की तीन गाड़ियां आग पर काबू पाकर कूलिंग के अमल में मसरूफ। अताउल्ला ताड़र एफआईए में पेश। इस्लामाबाद से आई चार रुकनी टीम की जस्ट वीडियो केस पर लीगी रहनुमा से पूछताछ। एफआईए दफ्तर के बाहर एहतजाज। लीगी कारकुनान की रुकावटें हटाने के लिए पुलिस से मुठभेड़। धक्कम पेल हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। एहतजाज में खवातीन कारकुनान भी शामिल। विफाकी तहकीकाती एजेंसी ने केस से मुतालिका रिकॉर्ड के लिए गुज़श्ता रोज पार्टी हेड ऑफिस 180H मॉडल टाउन पर भी छापा मारा था। जुलाई में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, दिसंबर में पूछगछ करना याद आया। लीगी रहनुमा तारड़ की एफआईए दफ्तर के बाहर मीडिया टॉक। कहा जज वीडियो स्कैंडल पर जवाब पहले ही जमा करा चुके, मौके पर डटे हैं। बताया जाए जज अशरफ मलिक से तहकीकात क्यों नहीं हो रही, वाजिद जिया की तैनाती चैलेंज करने का सोच रहे हैं। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने खुसूसी अदालत की तश्कील और कार्यवाही चैलेंज कर दी। सजा पर अमल दरामद रुकवाने के लिए हाईकोर्ट से रजू। जस्टिस सैयद मजाहिर अली अकबर नकवी की सरबराही में फुल बेंच 9 जनवरी को दरख्वास्त पर समाप्त करेगा। पीआईसी हमला रोकने में नाकामी के जिम्मेदारों के तायुन के लिए तहकीकात जारी। पुलिस तहकीकाती कमेटी ने आला अफसरान समेत दीगर के बयान कलमबंद कर लिए। रिपोर्ट 3 रोज में पेश होगी। वाकये में पुलिस के असल जिम्मेदारों को सजा मिलेगी या एक बार फिर छोटे ऑफिसर रगड़े जाएंगे। तहकीकाती रिपोर्ट का हशर भी कहीं सानिया मॉडल टाउन और सानिया साहिवाल की तहकीकात जैसा ना हो, मिलियन डॉलर सवाल आता है। डॉक्टर वकला तनाजे के हल की जानिब अहम पेशरफ। वकला एक्शन कमेटी का तनाजे इफाम और तफहीम से हल करने पर इत्तेफाक। बार सदर हफीज रहमान चौधरी की ज़ेरे सदारत इजलास में एहसन भून आजम नजीर ताड़र समेत दीगर क़यादत ने शिरकत की। एलटीसी की बंदिश के बाद 19 रूट्स पर लाहौरिये बेआरओ मददगार। कंपनी मुतबादल ट्रांसपोर्ट का लाया अमल बनाने में नाकाम। 22 रूट्स पर मजदा सर्विस फराहम करने का दावा, सिर्फ 2 रूट तक महदूद। वेलेंशियाता स्टेशन और जिना टर्मिनल से जल्लू मोड़ ही मजदा ट्रैक ऑपरेशन किए जा सके। पानी के तहफ्फुज और माहौलियाती आलूदगी रोकने के लिए मौसर इकदामात ना करने पर हाईकोर्ट का इजहार बरहमी। वाटर और माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक कमीशन की तजावीज पर अमल दरामद से मुतालिक केस की समाअत। जस्टिस राहत करीम ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत अदालतों पर तनकीद के सिवा कुछ नहीं कर रही। वजीर माहौलियात को अदालत आकर खुद आकर वजाहत पेश करने का हुक्म। 15 जनवरी के लिए नोटिस जारी। एलडीए कारकर्दगी दिखाने के बजाय सो रहा है। वासा कहता है कि पीने का साफ पानी मयसर नहीं। सेफ सिटी अथॉरिटी पर इतनी रकम खर्च की जा रही है, दूसरे महकमों पर क्यों नहीं। स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ केस की समाअत पर नामजद चीफ जस्टिस मामू रशीद शेख के रिमार्क्स। बोले हुकूमत के महकमे अपने लीगल सिस्टम को बेहतर बनाए। अदालत ने स्मोक की रोकथाम के लिए सूबाई काबीना की मीटिंग के मिनट्स की रिपोर्ट तलब कर ली। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से आलूदगी रोकथाम की रिपोर्ट भी तलब। बादलों और ठंडी हवाओं का सिलसिला बदस्तूर। शहर का मौसम यकबस्ता। कम से कम दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड। सुबह सवेरे मुख्तलिफ इलाकों में हल्की धुंध के भी आसार। मोटरवे पुलिस का ड्राइवर हजरात को पोकलाट के इस्तेमाल का मशवरा। सर्दी की शिद्दत में इजाफे से गैस बहरान। मुख्तलिफ इलाकों में गैस की गैर ऐलानिया लोड शेडिंग। इचरा बाजार मकबूल रोड और मोहलिका इलाकों में गैस बंद। लो प्रेशर की भी शिकायत। शहरियों को मुश्किलात। महंगे एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर। तुर्क कंपनी के इनकार के बाद क्रिसमस की छुट्टियां। शहर का क्लीनिंग सिस्टम फिर बहरान में। कुर्बान लान शेरपा पुल के करीब कूड़े के भरे हुए कंटेनर ताफुन फैलने से गुजरना तक मुहाल। मका कॉलोनी चौक गुलबर्ग में भी कूड़े के ढेर। गंदगी से ग्रीन बेल्ट तबाह हो गई। दूसरी जानब LWMC के दावों की गर्दन भी जारी। अली उत्सुप सफाई ऑपरेशन भी बदस्तूर जारी रखने का दावा। आवारा कुत्तों की बहुत ठिकाने लगाने के लिए जिला इंतजाम का ऑपरेशन शुरू।
चीफ सेक्रेटरी। पंजाब की हिदायत पर ऑपरेशन में तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को रोजाना की बुनियाद पर कुत्ता मार मुहिम के आदाद और शुमार फराहम करने की हिदायत। लाहौरियों को बीमार जानवरों की मुझे सेहत गोश्त से बचाने की मुहिम। डीजी फूड अथॉरिटी की बकर मंडी में गैर कानूनी मजबाखानों के खिलाफ कार्रवाई। 1355 किलो मुझे सेहत गोश्त दो बीमार जानवर कब्जे में लेकर दो मजबाखाने सील कर दिए गए। सब्जियों की कीमतों ग्रामों में मुकर्रर करने का हुकूमती तजर्बा नाकाम। कम ख्वांदा दुकानदार मुश्किल में पड़ गए। सरकार सरकारी नेखनामे पर अमल दरामद में भी नाकाम। टमाटर 100 रुपए फी किलो के बजाय 130 रुपए पर फरोख्त। दीगर सब्जियों के सरकारी रेट भी नजरअंदाज। प्राइस कंट्रोल कमेटियां खामोश। ब्रॉयलर चिकन की तलब में इजाफा, रसद में कमी, कीमत 4 रुपए मजीद बढ़ गई। रिटेल मार्केटों में मुर्गी का गोश्त 226 रुपए फी किलो में दस्तयाब। दो रोज में कीमत में 19 रुपए का इजाफा। फौमी अंडों की कीमत 131 रुपए फी दर्जन पर मुस्तहकम। कारोबारी हफ्ते के 5वें रोज भी गोल्ड प्राइस में इजाफा। 24 की रात तोला सोने की कीमत 150 रुपए बढ़ गई, 88,150 रुपए तक जा पहुंची। 22 की रात तोला सोने की कीमत 80,804 रुपए मुकर्रर। निजी और सरकारी इदारे लेस्को के 11 अरब के नादहिंदा। लेस्को चीफ मुजाहिद परवेज चट्ठा का तमाम डेप्यूटी कमिश्नर मैनेजर को फौरी रिकवरी का हुक्म। 24 घंटों में अदायगी न होने पर कनेक्शन मुनकता करने का हुक्म। बख्शी खानों में मुलजिमों को मंशियात की फरोख्त। सेशन जज के हुक्म पर एडिशनल सेशन जज मोइन खोकर इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर। खिलाफ कानून सरगर्मियों को रोकने के लिए कोर्ट लॉकअप में 10 सीसीटीवी कैमरे लगाने का अमल भी शुरू। कैदियों के लिए खुशखबरी, महकमा दाखिला ने पेरोल पर रिहा के लिए पेरोल सर्विस बना दी। डीजी रैंक का ऑफिसर पेरोल सर्विस का सरबराह होगा। 1.5 साल की बजाय 7 रोज में कैदियों की दरख्वास्तों पर फैसला किया जाएगा। महकमा दाखिला का जेल कारपेट इंडस्ट्री में भी जिद्दत लाने का फैसला। कारपेट के नित नए डिजाइन मुतार कराने के लिए SNE महकमा खजाना को इरसाल। गाजियाबाद से अगवा होने वाली फरहाना हबीब ताहाल बाजियाब ना कराई जा सकी। पुलिस ने मगवी खातून की बाजियाबी के लिए मजीद मोहलत तलब कर ली। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट के अस्खुद नोटिस की समाप्त के बाद आज रिटायरमेंट मुकर। 16 जनवरी को मुलजिमान के पॉलीग्राफिक टेस्ट की रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ मुतासरीन का नैब से रुजू। बड़ी तादाद में करोड़ों के क्लेम जमा करा दिए गए। नैब हुकाम से डूबी हुई रकूम वापस दिलाने का मुतालबा। सूबाई वजीर डिजास्टर पंजाब हुकूमत के लिए डिजास्टर बन गए। वसाइल के बेदरक इस्तेमाल, किफायत शुमारी मुहिम के परखचे उड़ा दिए। इस्तेहकाक के खिलाफ सूबाई वजीर खालिद महमूद के जेरे इस्तेमाल डिजास्टर अथॉरिटी की 3 गाड़ियां महाना। 600 लीटर पेट्रोल के अलावा अमला भी बहती गंगा से हाथ धोने में मसरूफ। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट बहस के लिए पंजाब असेंबली में पेश। 2 घंटे ताखिर से शुरू होने वाले इजलास में मौजूद अराकीन में से किसी ने भी बहस में हिस्सा ना लिया। पैनल ऑफ चेयर मियां शफी इजलास की सदारत कर रहे हैं। प्रोडक्शन ऑर्डर पर हमजा शहबाज और सलमान रफीक भी शरीक हुए। जिंदा है बीबी जिंदा है दुख्तर मशरिक। बेनजीर भुट्टो का आज 12वां यौम शहादत। सियासतदान से लेकर बेटी और माँ तक हर रूप में निखरी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को गुजरे 12 साल बीत गए, मगर कौम का जख्म ताहाल ताजा। उम्मत मुस्लिमा की पहली खातून वजीर आजम को खिराज तहसीन पेश करने के लिए लियाकत बाग रावलपिंडी में बड़े जलसे का अहतमाम। हाजी अजीजुर रहमान की क्यादत में काकलों का काफिला शिरकत के लिए रवाना। ओवरसीज पाकिस्तानीज ने हमेशा पाकिस्तान की मदद की। सैलाब हो या जलजला या कोई भी आफत, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने दिल खोल कर रख दिए। गवर्नर पंजाब का यूरोपियन पार्लियामान के नाग सादर के एजाज में तकरीब से खिताब। मेहमान यूरोपी पार्लियामेंटेरियन की चौधरी सर्वर को GSP प्लस के लिए कोशिश करने की यकीन दहानी। EU के नाग सादर का दौरा पाकिस्तान पर गैर मामूली मुसरत का इजहार। स्पॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन के तावन से कर्जों की तकसीम। जामिया मस्जिद मोहम्मदी हनफी सोडीपाल में छोटे कारोबार के लिए कर्जे तकसीम करने की तकरीब का अहतमाम। वजीर सरत असलम इकबाल बोले, आवाम के मसाइब का एहसास और उनका हल हुकूमत की जिम्मेदारी है।
छोटे कर्जों के लिए 12 अरब रखे हैं। अखुवत फाउंडेशन के डॉक्टर अमजद साकिब का मुस्तफीद होने वालों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। महकमा दाखिला ने कॉन्ट्रैक्ट में तौसी के लिए बेहतर कारकर्दगी की रिपोर्ट मांग ली। साबिक डीजी रेस्क्यू रिजवान नसीर का नया मुआहदा 3 साल के ACR से मशरूत कर दिया गया। साबिक डीजी को 3 साल की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। मोबाइल एजुकेशन यूनिट और अटलस होंडा के इश्तराक से एहसन इकदाम। महफूज सफर के लिए शहरियों में हेलमेट की तकसीम। शाहकाम चौक पर मोटरसाइकिल सवारों में हेलमेट और शीशे तकसीम किए गए। डीसी ट्रांजिट ट्रेड कस्टम सरफराज अहमद बड़ाज की लाहौर चैंबर आमद। कारोबारी शख्सियात से मुलाकात। ताजिर बरादरी का पाकिस्तान की बैनुल अक्वामी राहदार की मुसलमा हैसियत और अहमियत के मुतालिक पॉलिसीज तरतीब देने का मुतालिबा। और इंटर सर्विसेज क्रिकेट टूर्नामेंट फाइनल। पाकिस्तान आर्मी और एयरफोर्स की टीमों के दरमियान मैच जारी। एयरफोर्स की टीम का टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला। पाक आर्मी ने 7 विकेटों के नुकसान पर 105 रन बना लिए।